जैन पंथ के लिए हम आपको बता दें कि जैन पंथ का प्रादुर्भाव ही भागवत के आचार्य प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज से हुआ है, जिनका वर्णन भागवत में है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत, भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज स्वयं सनातनी है और सनातन की रक्षा के लिए अपने पुत्र को लगाया, खुद भी सिद्धियों में लगे। तो हमें लगता है जैन धर्म के जो आचार्य हैं, अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले हमारे ऊपर बहुत से विवाद भए, इस देश में बातें बहुत हुई, इस देश में विचित्र स्थितियां बनाई गई, शाब्दिक और कानूनी कार्रवाई के तहत बहुत से प्रकार से फंसाने की तैयारी चली। आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, पता नहीं ऐसा सुना आपने या देखा भी होगा, पर हम आपको अपने निजी अनुभव बताते हैं कि जब हमारे ऊपर विवाद बना तब हमारे संतों ने तो हमारा साथ छाता बनकर के दिया ही है, लेकिन वह विश्वास और अंधविश्वास की लड़ाई जो हम जीत कर आए हैं, बागेश्वर धाम या ये पीठ जीत कर आई है, उसमें जैन धर्म के आचार्यों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने आगे आकर के जो विद्या पूज्य आचार्य जैन मुनि श्री विद्यासागर जी उन्होंने भी चर्चा की और भी अन्य मुनियों ने ताल ठोक कर चर्चा की और उन्होंने अंत में यह कहा कि हम बागेश्वर पीठ के साथ। तो हमें लगता है कि उनकी तपस्या सनातन धर्म में काम आएगी और 21वीं सदी के सनातन में जैन धर्म के मुनियों की तपस्या पूरे विश्व के लिए शोध का विषय बनेगी। हमारे विचित्र बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।